हेलो बच्चों, मैं सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, और आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मेडिसिनल प्लांट। ये जो टॉपिक है ये हमारे बी फार्म 4 सेम के सिलेबस में मेंशन है, और जो सब्जेक्ट का नाम है वो है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पार्ट 1। तो उस सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक मेंशन है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मेडिसिनल प्लांट। कंटेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एंड लास्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अ मेडिसिनल प्लांट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? जनरली जब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए, दैट इज़ ए प्रोसेस। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड टेक्स प्लेस। तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है। अब ये प्रोसेस के अंदर हाइब्रिड का जो बनना है वो किस तरीके से बन सकता है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? तो जब हम हाइब्रिड की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हाइब्रिड इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ टू स्पीसीज और वराइटीज डिफरिंग एट लीस्ट इन वन सेट ऑफ द करेक्टर्स। जब हम हाइब्रिड की फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा होगी, और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में होगा क्या, टू डिफरेंट वराइटीज़, टू डिफरेंट स्पीसीज या फिर टू डिफरेंट जीनस के प्लांट्स को लिया जाता है और उनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है। क्रॉसिंग कराने के बाद जो प्लांट की जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द टू डिफरेंट पेरेंट, जो कि एटलीस्ट वन सेट ऑफ करेक्टर में डिफरेंट होते हैं, उनके द्वारा हाइब्रिड प्लांट की फॉर्मेशन होती है। अभी जो हाइब्रिड प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, इट कैन बी मोनोहाइब्रिड, इट कैन बी डाईहाइब्रिड और इट कैन बी पॉलीहाइब्रिड। जब हम मोनोहाइब्रिड के बारे में बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मोनोहाइब्रिड का मतलब है इट कंटेन वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर अगर प्लांट हाइब्रिड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोला जाएगा मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड का मतलब होगा इफ़ द हाइब्रिड प्लांट कंटेन टू डिफरेंट पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड हाइब्रिड्स का मतलब होता है मोर देन टू पेयर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन टू द हाइब्रिड प्लांट। सो दीज आर द वी कैन से द रिजल्टेंट हाइब्रिड जो होते हैं वो मोनोहाइब्रिड हो सकते हैं, डाईहाइब्रिड हो सकते हैं और हमारे पॉलीहाइब्रिड हो सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो मेनली अगर देखा जाए तो टू टाइप्स जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के पाए जाते हैं। नंबर वन तो आ रहा है हमारा इंटरवराइटल हाइब्रिडाइजेशन। वराइटल जो वर्ड लिया गया है वो है हमारा वराइटी से। सो अगर मेडिसिनल प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया जा रहा है और दे आर बिलोंग्स contain two varieties of the same species, if the cross between the two varieties of the same species is occur, that is known by the name intervarietal hybridizations. Number two जो आ रहा है interspecific hybridizations, cross between the plants in two different species belongs to the same or the different genus. अगर हम दो different species के बीच में cross करा रहे हैं, वो जो स्पीसीज़ हैं वो एक ही जीनस से भी बिलोंग कर सकती हैं और वो जो स्पीसीज़ हैं वो डिफरेंट जीनस से बिलोंग्स कर सकती हैं, अगर उनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। नंबर वन जो आ रहा है टू ऑब्टेन द डिज़ायरेबल करेक्टर इन टू द हाइब्रिड प्लांट। जैसे कि हमने बात करी है कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करें तो उनमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ पाई जाती होंगी। जैसे कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करें तो वो कीमोटाइप कंडीशंस भी हो सकती हैं, वो फिनोटाइप कंडीशन भी हो सकती हैं, वो जीनोटाइप कंडीशन भी हो सकती हैं। फिनोटाइप कंडीशन का मतलब क्या है कि उस प्लांट के अंदर इम्प्रूव्ड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पाए जा रहे हैं। कीमोटाइप
का मतलब क्या होगा, कीमोटाइप प्रॉपर्टीज का मतलब होगा उस प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिर एक्टिव कॉन्स्टेंट या फिर केमिकल कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जा रही है। और एक होता है हमारा जीनोटाइप, जिसके अंदर जो जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी कंसंट्रेशन ऑप्टिमम पाई जाती है। तो तीनों की तीनों जो कंडीशंस हैं, चाहे फिनोटाइप हो, जीनोटाइप हो और कीमोटाइप हो, अगर हम ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करते हैं जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं और उनके बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो हमें हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है। और ये जो हाइब्रिड होता है ये डिज़ायरेबल करेक्टर कंटेन करता है जो कि उसने पेरेंट्स से उसके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। और पेरेंट्स क्या है, डिफरेंट पेरेंट्स हैं, मतलब कि उनके अंदर कोई ना कोई करेक्टर जो होगा वो डिफरेंट पाया जाता है। तो डिज़ायरेबल करेक्टर का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट टू द हाइब्रिड प्लांट, ये जो एक ऑब्जेक्टिव है हाइब्रिडाइजेशन का होता है। कई प्रकार के बेनिफिशियली और एडवांटेजियस इफेक्ट जो है मेडिसिन प्लांट्स के टर्म में कह दीजिए, क्रॉप इंप्रूवमेंट के टर्म में कह दीजिए, वो प्रोड्यूस हो चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर सेकेंड जो आ रहा है वो है हमारा इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और कीमोटाइप करेक्टर। जब हम मेडिसिन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो मेडिसिन प्लांट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के होने की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो अपनी मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ये कंफर्म हो चुके हैं, कई मेडिसिनल प्लांट्स की जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो एक्टिव कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज की जा चुकी है। नंबर थ्री जो आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, दैट इज द वन काइंड ऑफ द एप्लीकेशन वी कैन से दैट, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन दैट द डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। और इसके भी एग्जाम्पल कई हैं जिसके द्वारा जो मेडिसिन प्लांट्स हैं या फिर जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको डिजीज रेजिस्टेंस किया जा चुका है। ये जनरली एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट रहेगा और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई किया जा चुका है। नेक्स्ट जो आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, हाइब्रिड प्लांट जो प्रोड्यूस हुआ है उस हाइब्रिड प्लांट के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज पाई गई हैं जो कि इनके पेरेंट्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट थी, उनका ट्रांसफ़र हुआ हाइब्रिड प्लांट के अंदर। तो हाइब्रिड प्लांट की जो स्पीसीज की जो फॉर्मेशन हुई है उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस क्वालिटी पाई गई है या फिर वो ट्रांसफ़र की हुई है। नेक्स्ट जो आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी, नंबर ऑफ टाइम ये पाया गया है कि सपोज़ कीजिए दो प्लांट हैं, एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है, दोनों के अपने डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर हैं, कुछ स्पेसिफिक करेक्टर उनके अंदर पाए जाते हैं, मगर ये पाया गया है कई केसेस के अंदर जब उनके बीच में क्रॉसिंग कराई गई, प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में जब क्रॉसिंग कराई गई जो कि डिफरेंट वैरायटी के करेक्टर कंटेन करते हैं, उनके द्वारा जब हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस हुआ तो ये पाया गया कि उस प्लांट के अंदर दोनों ही पेरेंट के करेक्टर नहीं पाए जा रहे हैं। तो दोनों ही प्लांट पेरेंट्स के करेक्टर उस हाइब्रिड प्लांट के अंदर अगर नहीं है तो वो एक न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी एक एडवांटेजियस इफेक्ट है, नई स्पीसीज की जो फॉर्मेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन मेथड के द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है। लास्ट वाला जो आ रहा है, टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है अगर हम ऊपर के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है, हमारे डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है, तो जनरली जब उनका कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे किया जाता है तो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना इंक्रीज हो सकती है। तो ये एक मेथड है जिनके द्वारा हम कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको अचीव किया भी जा चुका है। सो दिस इज द सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि वो मेथड क्या है जिसके द्वारा हाइब्रिडाइजेशन को इंड्यूस किया जा सकता है। तो जब हम इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक स्टेप्स हैं और वो स्टेप जो है उनका सीक्वेंस स्पेसिफिक है। हम इन स्टेप के सीक्वेंस के अंदर चेंज नहीं कर सकते, हमें इन्हीं तरीके से इनको याद करना पड़ेगा और इनको इसी तरीके से समझना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं, नंबर वन आ रहा है सिलेक्शन ऑफ प्लांट, नंबर टू जो आ रहा है इमेस्कुलेशन प्रोसेस, नंबर थ्री जो है बैगिंग, नंबर फोर टैगिंग, नंबर फाइव जो है पॉलिनेशन और क्रॉसिंग, नंबर सिक्स है हार्वेस्टिंग ऑफ F1 सीड, F1 का मतलब है फर्स्ट जनरेशन, और फर्दर हैंडलिंग ऑफ द प्लांट और द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सेवन हमारे पास जो स्टेप्स आ रहे हैं, अगर इन स्टेप को फॉलो किया जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को हम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश करी है, उसको समझिएगा आप। इसमें एक एक इंडिविजुअल पॉइंट जो कि स्टेप के अंदर
मेंशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया और समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कह दीजिए या फिर सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स कह दीजिए जिनके बीच में क्रॉसिंग करानी है। तो पहली बात तो ये है कि हमें किन प्लांट को सेलेक्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे माइंड में होना चाहिए। जनरली हाइब्रिड का फंक्शन क्या है, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि उसके अंदर डिजायरेबल करेक्टर पेरेंट से ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो वो प्लांट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जानी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ द कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही हेल्दी प्लांट्स होते हैं, उनके ईच एंड एवरी पार्ट बहुत ही मैच्योर कंडीशन में और उनके अंदर ऑप्टिमम सारे के सारे कंसंट्रेशंस पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो कुछ प्लांट को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होगा उनके करेक्टर और प्रॉपर्टी के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्लांट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों हमने दो पेरेंट्स लिए हैं या फिर दो प्लांट लिए हैं, एक तो है हमारा मेल प्लांट्स और दूसरा जो है फीमेल प्लांट्स। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्लांट जो लिया गया है, दो प्लांट लिए गए हैं, मेल प्लांट लिया गया है और फीमेल प्लांट है, इन्हीं को हम मेल पेरेंट्स या फिर फीमेल पेरेंट्स भी बोला जाता है। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स में क्या क्या करेक्टर पाए जा रहे हैं, अब इधर देखिए, पहला जो मेल प्लांट है वो हाई कीमोटाइप करेक्टर कंटेन कर रहा है। हाई कीमोटाइप करेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो अगर मेडिसिनल प्लांट्स है तो इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन जो होती है वो ऑप्टिमम पाई जाती है। नंबर टू जो है इसका ड्रॉबैक है, पहला जो पॉइंट था हाई कीमोटाइप वो उसका एडवांटेजियस पॉइंट था, मगर जो दूसरा जो पॉइंट आ रहा है लेस पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब पेस्ट के अगेंस्ट में ये अपनी जो रेजिस्टेंस पावर है वो उसके अंदर इतनी नहीं पाई जाती और जल्दी ही पेस्ट के कॉन्टैक्ट में आके वो डिटोरेट हो जाता है। तो दो करेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो हाईली कीमोटाइप करेक्टर है, इसके मतलब कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव कॉन्सेंट ज़्यादा पाई जा रही है, मगर दूसरा ड्रॉबैक ये आ रहा है लेस रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं हम अपने फीमेल पेरेंट या फिर फीमेल प्लांट्स के बारे में, इसके भी दो करेक्टर है, लेस कीमोटाइप करेक्टर, इसका मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो प्रोडक्शन है वो इतनी ऑप्टिमम नहीं पाई जा रही, ये ड्रॉबैक हो गया। मगर जब हम इसके दूसरे इफेक्ट को देखते हैं वो इसका एडवांटेजियस इफेक्ट है, हाईली पेस्ट रेजिस्टेंस पेरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो पेस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसकी लॉन्गिविटी इंक्रीज होगी कंपेरेटिव टू द मेल पेरेंट या फिर मेल प्लांट के द्वारा। अब ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, जो उसको सेलेक्ट किया गया है प्लांट्स को। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आ रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा नंबर टू, ये है इमैस्कुलेशन। पहली बात तो इमैस्कुलेशन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके प्रोसेस को समझेंगे। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ स्टैमन और द एंथर पार्ट फ्रॉम द फीमेल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, यहाँ पे क्या है इमैस्कुलेशन का मतलब आप इतना समझिए, द रिमूवल ऑफ द एंथर पार्ट और द स्टेमन फ्रॉम द फीमेल पार्ट। अभी जरा मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम फ्लावर्स के बारे में जानते हैं उसके चार कंपोनेंट होते हैं, उसमें सेपल्स पाए जाएंगे, उसमें पेटल्स पाए जाएंगे, एंड्रोशियम पार्ट होगा और गाइनोशियम पार्ट होगा। एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम पार्ट जो होता है वो मेनली कंटेन करता है स्टेमन, इट इज़ मेनली कंटेन द स्टेमन। और स्टेमन हमारे क्या होते हैं, स्टेमन के अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, तो फिलामेंट पार्ट होता है और एक हमारा होता है एंथर पार्ट। ये जो एंथर पार्ट होता है इसी के अंदर पोलन्स ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, और ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स ही मेल गैमेट की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेमन है वो हमारा एंड्रोशियम पार्ट होगा, और एंड्रोशियम क्या होता है, इट इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको एंड्रोशियम बोला जाता है। दूसरा जो पार्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोला जाता है कार्पल को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। तो या तो आप उसे कार्पल कह दीजिए या फिर आप उसे पिस्टल कह दीजिए। कार्पल और पिस्टल मेनली कंटेन क्या करेंगे,
दे मेनली कंटेन स्टाइल स्टिग्मा एंड द ओवेरी। और ये जो पार्ट होते हैं जो कार्पल और जो पिस्टल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है। तो ये इन दोनों पार्टों के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे आने वाले प्रोसेस के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन का उनके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन पाया जाएगा। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाईसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि वो फ्लावर जो केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन कर रहे हैं, या तो वो स्टैमेन कंटेन करेगा या फिर वो कार्पल कंटेन करेगा, तो इसे बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक होते हैं हमारे बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि वो फ्लावर जो दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करेंगे, एंड्रोशियम भी कंटेन करेगा, गाइनोशियम भी कंटेन करेगा। एंड्रोशियम का मतलब है उसके अंदर स्टैमेन भी प्रेजेंट रहेंगे और गाइनोशियम का मतलब है उसके अंदर कार्पल और पिस्टल भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो अब आते हैं हम अपने इमैस्कुलेशन के ऊपर। जब इमैस्कुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ द स्टैमेन और द एंथर पार्ट फ्रॉम द फीमेल। अब ये जो हमारा जो फीमेल फ्लावर पार्ट है मेडिसिनल प्लांट्स का, ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है। सपोज कीजिए इट इज़ ए बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एंड्रोशियम भी पाया जाएगा, स्टैमेन भी प्रेजेंट है, और गाइनोशियम मतलब स्टैमेन कार्पल और पिस्टल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये मैस्कुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताई जा रही है, रिमूवल ऑफ द स्टैमेन। तो अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से अगर हम स्टैमेन पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा इमैस्कुलेशन प्रोसेस कहलाता है। जब स्टैमेन ही नहीं रहेगा, जो एंथर पार्ट स्टैमेन का पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। अगर एंथर ही नहीं रहेगा तो उसमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे अटैच नहीं हो पाएंगे। तो जो रिमूवल जो हो रहा है हमारे स्टैमेन का, उसको हम इमैस्कुलेशन मेथड कहते हैं। कई प्रकार के मेथड है जिसके द्वारा हम स्टैमेन को रिमूव कर सकते हैं। वो हैंड पिकिंग मेथड्स के द्वारा भी हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लावर विद द हॉट वाटर हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लावर विद द अल्कोहल हो सकता है। हॉट वाटर और अल्कोहल के अगेंस्ट में हमारे जो स्टैमेन है या फिर जो एंथर पार्ट है काफ़ी सस्सेप्टेबल होता है, तो वो जल्दी उससे डिटैच हो जाता है। मगर कार्पल और पिस्टल उससे ज़्यादा इतनी अफेक्टेड नहीं होती। तो दीज आर द मेथड बाय विच वी कैन परफॉर्म द इमैस्कुलेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट when the emasculation process has been completed, the flower which will be obtained that has been termed as a the flower will be obtained that is known by the name emasculated flower। और जो plant जो होगा उसको emasculated female plant के नाम से बोला जाएगा। यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने जो female plant है उसके अंदर जो एंथर और जो स्टेमन पार्ट है उसको रिमूव किया है, और ये जो फीमेल फ्लावर को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये भी बाईसेक्सुअल फ्लावर की कैटेगरी के अंदर पाई जा रही थी। नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा बच्चों वो है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ बैगिंग प्रोसेस। ये तीसरा प्रोसेस आ गया। बैगिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बैगिंग का मतलब होता है कवरिंग करना। ये जो हमारा जो हमारी जो फीमेल फ्लावर है जो कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर कंटेन कर रहा है, फीमेल प्लांट है जो कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर कंटेन कर रहा है, उसको कवर कर दिया जाता है। किसके द्वारा उसको कवर कर सकते हैं, बैग के द्वारा किया जा सकता है या फिर फाइन क्लोथ के द्वारा या फिर बटर पेपर के द्वारा उसको कवर्ड करके रखा जाता है, और यही प्रोसेस जो है बैगिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैगिंग करने की ज़रूरत क्या है। बैगिंग करने का रीज़न ये है कि अगर हम बैगिंग नहीं करेंगे तो जो फीमेल फ्लावर का जो पिस्टल पार्ट है वो ओपन रहेगा। अगर ओपन रहेगा तो उसके ऊपर बाहर से पोलन ग्रेन आके अटैच हो सकते हैं और पोलिनेशन का प्रोसेस कैरीड आउट हो सकता है। उस पर सेम टाइप के अगर पोलन ग्रेन अगर आ गए उसी स्पीसीज के उसी प्लांट के तो वो फर्टिलाइजेशन 100% कर देगा। मगर यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें एक कंडीशन ये चाहिए कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है इट शुड बी कवर्ड, वो किसी तरीके से सेल्फ पोलिनेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो बैगिंग का मेन पर्पज़ ये रहेगा टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस। ठीक, अगर सेल्फ पोलिनेशन अगर हो गया, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या, सेम टाइप के जो फ्लावर है अगर उसके ऊपर उसी स्पीसीज के जो फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पार्ट से अटैच हो जाता है तो आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेल्फ पोलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होगा क्या, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज का प्लांट है उसके फ्लावर के ऊपर दूसरी स्पीसीज के अगर एंथर से जो पोलन ग्रेन जो रिलीज हो रहे हैं अगर वो आके अटैच होते तभी जाके वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, हाइब्रिड प्लांट की फॉर्मेशन होती है। अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो हाइब्रिड प्लांट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर सेम स्पीसीज के
के फ्लावर्स के ऊपर ही अगर पॉलिनेशन प्रोसेस पाया जा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस को या फिर क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस को भी अगर प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग करना जरूरी हो जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बैगिंग, नेक्स्ट जो स्टेप जो आएगा वो स्टेप होता है जिसको नंबर 4 के नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन बाय द नेम टैगिंग। टैगिंग ये रहा नंबर 4 जो है वो है हमारा टैगिंग। टैगिंग में होता क्या है, जैसे कि अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, अगर मॉल्स में जाते हैं, अगर कोई क्लोथ परचेज करते हैं तो उस पर टैग लगा रहता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। उसी तरीके से जब भी कोई इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स या फिर इमैस्कुलेटेड प्लांट होता है तो उसको भी टैगिंग करना ज़रूरी है। एक टैग का मतलब क्या होता है, रिटन इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में लिखी जाती है, जिससे कि जो दूसरे वर्कर है या फिर जो दूसरे जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो प्लांट है ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर कंटेन कर रहा है और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, इसको यूज़ नहीं करना है। उसमें किस मेथड से इमैस्कुलेशन किया उसके बारे में, प्लांट का जो बोटानिकल नेम है उसकी जानकारी होती है, कब इसको इमैस्कुलेट किया, कब इसकी बैगिंग करी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में होती है। तो इसी रिटन फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसी को टैगिंग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 4 स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ नोन एज द नंबर 5, और जो नंबर 5 जो है वो है हमारा पॉलिनेशन और द क्रॉसिंग। अब ये होगा किस तरीके से, हमारे पास फीमेल पेरेंट्स जो है प्लांट का, उसमें हमें इमैस्कुलेटेड फ्लावर हमारे पास प्रेजेंट है जिसको हमने बैगिंग करके रखा हुआ, टैगिंग करके रख दिया गया है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम ये हमें करना है कि अब हमें जो हमारा जो मेल प्लांट था, मेल पेरेंट था, अभी तक हमने उसके साथ कुछ भी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस कुछ भी नहीं किया है। अब जो काम किया जाएगा वो मेल प्लांट्स के ऊपर किया जाएगा। अब ये जो मेल पेरेंट्स है, जो मेल प्लांट्स है, उसके फ्लावर्स में जो हमारा जो स्टेमन पार्ट है जो कि एंथर कंटेन करता है, एंथर में से अब पोलन ग्रेन्स को रिमूव किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है या फिर इसको हम आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा भी इसको को हम पोलन ग्रेन को अचीव कर सकते हैं। जब हमें पोलन ग्रेन्स जो हमें ऑब्टेन होंगे, अब इन पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड कर दिया जाएगा इमैस्कुलेटेड फीमेल फ्लावर के ऊपर। तो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेल प्लांट से हमने पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट की, ये जो आपको जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ऑल आर द पोलन ग्रेन्स, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन जो आ रहे हैं, दीज पोलन ग्रेन स्प्रेड ओवर द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द कार्पल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम का था, कार्पल जिसको बोलते हैं, उसका जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर उसको स्प्रेड कर देंगे, एंड इमैस्कुलेटेड फीमेल प्लांट्स के ऊपर स्टिग्मा पार्ट के ऊपर पोलन ग्रेन को इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। स्प्रेड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब यही है, द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है, पोलन ग्रेन्स आ गए हैं और हमारा जो स्टिग्मा पार्ट है इमैस्कुलेटेड फीमेल फ्लावर से जो लिया गया था उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया गया है। तो दोनों गैमेट के बीच में अब फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन के बाद जो नंबर जो 6 स्टेप जो पाया जाएगा वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ द F1 सीड। तो F1 जनरेशन के जो सीड जो हमें मिलेंगे जो कि हाइब्रिड प्लांट से ऑब्टेन हुए हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप उनको हम हाइब्रिड जो सीड जो मिले हैं उनको हम प्रोपेगेट कर देंगे। प्रोपेगेट करने के बाद वो जो प्लांट जो हाइब्रिड प्लांट की जो फॉर्मेशन होगी उनका कल्टीवेशन किया जाएगा, सारी कंडीशंस को मेंटेन करेंगे। अब फिर जाके उसको जो प्लांट जो हमें ऑब्टेन हुआ है उसको हम हाइब्रिड प्लांट के नाम से ही जानेंगे। जब उस हाइब्रिड प्लांट को एनालिसिस किया जाता है तो ये देखा जाता है कि डिज़ायरेबल करेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो यही एनालिसिस का पार्ट रहेगा। जब हाइब्रिड प्लांट हमें मिल जाएगा तो ये पाया जाता है कि ये जो हाइब्रिड प्लांट है ये क्या करेक्टर कंटेन कर रहा है, दिस कंटेन द हाईली कीमोटाइप करेक्टर। जो हाई कीमोटाइप करेक्टर था वो मेल पेरेंट्स का था, एंड दूसरा जो करेक्टर इसके के अंदर प्रेजेंट है वो हाई पेस्ट रेजिस्टेंस हाइब्रिड प्लांट है। हाई पेस्ट रेजिस्टेंस जो करेक्टर था वो किसका था, वो था हमारा फीमेल प्लांट का एक करेक्टर था जिसको हम जो कि एक करेक्टर कंटेन कर रहा था हाई रेजिस्टेंस। तो दोनों के दोनों जो डिजायर्ड करेक्टर थे मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से, नाउ दे हैव बीन ट्रांसफर टू द
हाइब्रिड प्लांट, और यही इसका ऑब्जेक्टिव था। बच्चों ये जो प्रोसेस जो हमने पढ़ा है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज़ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो प्रोसेस है दैट इज़ द प्रोसेस इज नोन बाय द नेम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक प्रोसेस और होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि हम मैनुअली इसको परफॉर्म किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इज, नाउ वी कम टू द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मेडिसिनल प्लांट्स। यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक तो है हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, और क्या उसके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं इन द इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, या फिर जो हाइब्रिड जो बनेगा उसके अंदर किस प्रकार के करेक्टर पाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है वो है हमारा विदानिया का। विदानिया को हम जनरली हम अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, और इम्यूनो मॉड्यूलेटर इफेक्ट इस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है विदानिया ड्रग के द्वारा, वो मेनली उसके अंदर विदानोलॉइड्स प्रजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनो मॉड्यूलेटर या फिर मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ अश्वगंधा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हमने दो वराइटी ली है, एक तो है विदानिया सोमनीफेरा, there are the two varieties of the Vidania somnifera which are the not identical in terms of the geographical condition। ये वो Vidania somnifera है जो कि अलग अलग geographical environment से collect की गई हैं, अलग अलग country से collect की गई हैं। एक Vidania somnifera जो इसराइल से collect किया गया है, और दूसरा जो विदानिया सोमनीफेरा वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ज्योग्राफिकल इसमें डिफरेंस पाया जा रहा है, ज्योग्राफिकल वेरिएशंस पाए जा रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं अगर डिफरेंट स्पीसीज की जो फॉर्मेशन होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ज्योग्राफिकल वेरिएशंस। ज्योग्राफिकल वेरिएशंस का मतलब क्या है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो प्लांट इजीली सर्वाइव कर पाता है उसके अंदर कीमोटाइप और फिनोटाइप और जीनोटाइप तीनों प्रकार के करेक्टर स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की वैरायटी ली गई है जो कि विदानिया से बिलोंग कर रही हैं, और ये दोनों जो वैरायटी है डिफरेंट कंट्री से ऑप्टेन करी गई है, एक तो इसराइल से ली गई है और एक साउथ अफ्रीका से। जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है तो जो हाइब्रिड जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर पाया गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू हाइब्रिड कंटेन तीन न्यू विदानोलाइड्स जो है वो कंटेन कर रहा है। तो एक्टिव कांस्टेंट की यहाँ पे अगर देखा जाता है तो यहाँ पे चेंजेस पाए जा रहे हैं, और नए प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट जो कि विदानोलाइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। सेकंड जो एग्जांपल आ रहा है वो है हमारा सोलेनम। सोलेनम एक जीनस है जो एक सोलेनम प्लांट के नाम से भी इसको बोलते हैं, सोलेसोडीन इसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की स्पीसीज ली गई हैं जो कि सेम जीनस से बिलोंग कर रही हैं, एक तो है सोलेनम इनकैनम और दूसरी है सोलेनम मिलानोजीना। सोलेनम इनकैनम के अंदर 1.8% सोलेसोडीन पाया जाता है, और सोलेनम मिलानोजीना के अंदर ट्रेसिस ऑफ सोलेसोडीन पाए जाते हैं। जब इन दोनों स्पीसीज के बीच में जो कि सेम जीनस से बिलोंग करते हैं जब इनमें क्रॉसिंग कराई जाती है, तो ये पाया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन है इट कंटेन मोर फ्रूट्स एंड द सोलेसोडीन। यहाँ पे दो प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। मोर फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पाए जाए, और सोलेसोडीन का मतलब क्या, कीमोटाइप इसके अंदर चेंजेस पाए गए। तो फिनोटाइप और कीमोटाइप चेंजेस इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो मोर फ्रूट की फॉर्मेशन होना ये फिनोटाइप वेरिएशंस को शो कर रहा है हाइब्रिड के अंदर, और सोलेसोडीन जो है वो कीमोटाइप को शो कर रहा है। और नेक्स्ट ये भी पाया गया है कि जो सेकेंड जनरेशन है इट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोलेसोडीन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर फिनोटाइप कीमोटाइप चेंजेस थे, और सेकेंड जनरेशन जो प्रोड्यूस है उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोलेसोडीन था जो कि कीमोटाइप वेरिएशंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट जो आ रही है हमारी ड्रग, वेरी पॉपुलर ड्रग जिनको हम सिंकोना के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हम सिंकोना की दो स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं। एक स्पीसीज तो आ रही है हमारी सिंकोना सक्सी रूबरा, और दूसरी जो आ रही है हमारी सिंकोना लैटगेरियाना। तो ये पाया गया है कि क्विनिन की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है सिंकोना में जो प्रेजेंट रहता है उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आ रहा है वो हमारा रिलेटेड है ओपियम प्लांट से, और यहाँ पे हम ओपियम की दो स्पीसीज को ले रहे हैं, पेपावरम सोमनीफेरम वन स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जीनस पेपावरम सेटिजीरम, इट इज ए
डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जीनस। तो पेपावेरम सोमनीफेरम और पेपावेरम सेटेजेरम के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो ये पाया गया है कि जो हाइब्रिड जो प्रोड्यूस होगा उसके अंदर इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कोडीन और थीबेन की पाई जा रही है। उसी तरीके से जब हम नेक्स्ट स्टेप के बारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, वो मेंथा प्लांट से बिलोंग करेगा। मेंथा एक्वाटिका एंड मेंथा स्पाइकेटा प्लांट के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, क्रॉसिंग कराई जाती है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रही है वो मेंथा पाइपरिटा की हो रही है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, पहली स्पीसीज थी मेंथा एक्वाटिका, दूसरी स्पीसीज है मेंथा स्पाइकेटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्पीसीज की जो फॉर्मेशन हो रही है टोटली डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है जिसका नाम है मेंथा पाइपरिटा। और ये जो मेंथा पाइपरिटा होती है कंटेन करेगा मेंथोफ्यूरॉन एंड द मेंथोल एक्टिव कॉन्स्टेंट इसके अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे। ये एप्लीकेशन थी मेडिसिन प्लांट से रिलेटेड। जब हम एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं रिलेटेड विद द प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यहाँ पे एक टेक्निक के अंदर इसको यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको एक नाम से और जाना जाएगा दैट इज़ द एसेक्सुअल, दैट इज नोन बाय द वन अनदर नेम दैट इज द एसेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। और एक नाम से इसको ही बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो या तो आप उसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कह दीजिए या फिर एसेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन कह दीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और एसेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, इसमें हम प्लांट से सेल्स को कलेक्ट करते हैं और उस सेल की सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, तो वो जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट सेल्स। तब होगा क्या, एक डिफरेंट प्लांट की प्रोटोप्लास्ट सेल्स और दूसरे डिफरेंट प्लांट की प्रोटोसेल्स को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस कैरीड आउट होगा, फ्यूज़न प्रोसेस होगा। फ्यूज़न अगर होगा तो दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिड की फॉर्मेशन ये करेगा। तो ये एक प्रकार का मेथड है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यूज़ होता है, और एसेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो कुछ एप्लीकेशन थी रिलेटेड विद द हाइब्रिडाइजेशन, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इस लेक्चर को मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप YouTube के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।